इसको टाइम आउट का बहुत झंझट होता है। ठीक है बाबू, तो प्रिंसिपल 10 हो गया बाबू, यहाँ क्या डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है सर। देखो हमने क्या किया, 15% माइनस 13%, ये 2% क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो एक साल का 2% डिफरेंस है, यहाँ क्या करा 5 साल का, तो 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना परसेंट डिफरेंस होगा, 2% बाई मल्टीप्लाई 5, ये 10% का डिफरेंस होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए, है ना। तो 10% का डिफरेंस हो गया। अब ये 10% को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 10% है वो, है ना, तो इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करो तो कितना 10/100 1/10 आ जाएगा। तो ये क्या बताता है, ये बताता होगा कि प्रिंसिपल 10 रुपया रहा होगा वो, तो इंटरेस्ट में अंतर कितना रहा होगा 1 रुपया डिफरेंस, है ना शैतान, ये डिफरेंस है सारा का सारा, क्या डिफरेंस है ना वो, ये सारा का सारा क्या डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल जब 10 रुपया रहा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना अंतर रहा होगा सर, 1 रुपया अंतर रहा होगा, 1 रुपया माने ज्यादा रहा होगा, है ना। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना 1 रुपया ज्यादा, एक्चुअल कितना दिया 50 रुपया ज्यादा दिया, एक्चुअल कितना दिया 50 रुपया ज्यादा दिया, बात समझो कितना अंतर है एक्चुअल में 50 रुपये ही ज्यादा, यहाँ कितना आ रहा 1 रुपया ज्यादा रहा। तो यहाँ से हम इक्वेट नहीं कर सकते बाबू, एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू 50 रुपया हो जाएगा, है ना। एक पार्ट का यहाँ एक है ना बाबू, एक एक हिस्सा का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 रुपया ज्यादा हो जाएगा शैतान, यहाँ डिफरेंस है। तो ये सारा का सारा क्या डिफरेंस ही बता रहा, तो यहाँ 1 रुपया इंटरेस्ट ज्यादा है सर, उसकी वैल्यू कितना है, एक पार्ट हिस्सा कितना 50 रुपया ज्यादा। अब हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल का हिस्सा नीचे वाला हिस्सा मान लो, ये भी मान लो 10 हिस्सा मान लो, एक हिस्सा मान लो, है ना। तो यहाँ से जो दिया हो रहा है उसको इक्वेट कर देना, तो एक हिस्सा का वैल्यू कितना है 50 रुपया है बाबू, तो प्रिंसिपल कितना है 10 पार्ट है ना, 10 हिस्सा, तो 10 पार्ट के लिए बाबू सेंस बाबू इतना, इसलिए बाबू 10 पार्ट प्रिंसिपल मेरा 10 पार्ट है ना, तो 10 पार्ट का कितना हो जाएगा, 10 पार्ट का कितना हो जाएगा, 1 का 50, एक रुपया में मान लो कि बाबू कितना मिलता है, 1 रुपया में मान लो वो 10 मैंगो है ना बाबू, तो 10 रुपया में कई मैंगो सर, उसे करके कैलकुलेट करो, 1 का 50 वैल्यू है, 10 का कितना होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 × 10 500 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 रुपया आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। तो इसको हम लोग बिना कापी कलम के डायरेक्ट बना सकते थे, है ना, कुछ नहीं डिफरेंस लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई करते हैं, और एक वाला बिना कापी कलम के बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर छोड़ दीजिए ना, अच्छा ठीक है छोड़ देते सर, DIY एगो टाइप और बच गया बाबू सर, वीडियो हम देख लेंगे, इस पे दिमाग लगा के आना, तो लास्ट टाइप है, इसको DIY दे देते हैं, इसको कॉपी में लिख लेंगे। हाँ बाबू लिख लीजिए सर, एक आप लोग क्वेश्चन क्या आप फोर्थ मेथड जब बताए थे सर, तो उसका सर अलग था, और ये वाला सर जो आप बताए ये अलग है सर, तो क्या एक ही जस्ट क्वेश्चन की डिपेंड करता है सर, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा सर अप्लाई करेंगे। हाँ बाबू, हाँ बाबू, खाली आपको एक के वर्ड सीखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता, रेशियो ऑफ द बाबू सर, एक सर फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ रुपीस 66,010% पर एनम फॉर द टाइम फॉर ऑफ 2 years 6 months सर। तो इसमें आप फोर्थ मेथड जब कराए थे सर, तो SI इज इक्वल्स टू 6,000 × 30% फिर इक्वल्स 6,000 × 30/100 देखो कोई मेथड नहीं समझ में आएगा बाबू, तो सिंपल जो फर्स्ट मेथड सारे में बताए ना, मान लेना है ना, और वहां से SI वाला फॉर्मूला लिखना, P×R×T करना, जो जो वैल्यू दिया हो रहेगा वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो नहीं दिया उसको फाइंड करो सर, बन जाएगा रेशियो अबाउट प्रिंसिपल एंड अमाउंट बाबू, आफ्टर 1 ईयर बाबू 10:12 दिया हुआ, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है ना, रेशियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं सर। हां बाबू रेशियो ऑफ इंटरेस्ट बाबू, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू पर है ना सर, 20% सर, रेट भी नहीं दिया सर, ना रेट निकालना है शैतान, देखो प्रिंसिपल दिया अमाउंट का 20% सर, अच्छा ठीक है टाइम एक साल दिया हुआ, तो आपको ये निकालना है, ठीक है सर हो जाएगा। इसी में बाबू दूसरा क्वेश्चन, एक 5 साल दे देते हैं,
नहीं सर रहने दीजिए ना, बुक वर्क भी करना है। क्या दिया? अच्छा ठीक है, बुक का सारा क्वेश्चन कर, बुक का सारा क्वेश्चन कर कल से, जो जो लेट आए ना उसको मम्मी फोन करेंगे सर। हम तो लेट नहीं आते हैं ना, हम तो अच्छा ठीक है।